आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, हमें प्रभु पर हर समय भरोसा रखना है। यह वचन कहता है भजन संहिता 46 के एक पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपके जीवन में, आपके घर में जब समस्याएं आए तो हो सकता है आपके दोस्त, आपके जान पहचान के लोग आपको छोड़ दे, आपको पूछे ना, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब समस्याएं आती है, जब कष्ट आती है, तो हम सबसे पहले अपने जान पहचान के लोगों से सहायता मांगते हैं और वहां सहायता ना मिलने के बाद हम प्रभु के पास आते हैं। मेरे पियो, जब आपके दुख के बाड़े चारों तरफ बांधे रहे, चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हो, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सर्वप्रथम प्रभु आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, क्या नहीं करना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपके हर एक बंद रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। आपके कोई भी सहायता करने वाला नजर नहीं आ रहा है, तो संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम स्तुति आराधना करते हैं, और जीवतों का परमेश्वर है। तो हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए हर एक परिस्थितियों में। दुख संकट चारों तरफ घेर के बैठे हो, फिर भी हम उस समय प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। और यहाँ वचन कहता है यशायाह 40 के 29 में, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, वो थके हुओं को बल देता है। आप थक चुके अपने जीवन से, एक कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, तो प्रभु का वचन आपसे कहता है थके हुओं को वह बल देता है और शक्तिहीन, यानी कि आपके पास अगर शक्ति नहीं है, कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं है, कुछ प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, तो आप सोच रहे मैं एक कार्य नहीं कर सकता, मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वचन कहता है थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को वो बहुत ही सामर्थ्य देता है। आप और हम जो कार्य नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के द्वारा संभव है। हालेलुया। इसलिए हम जो भी कार्य करें, हम प्रभु से प्रार्थना करके करें, प्रभु हमें उसमें सहायता प्रदान करेगा। मैं आपको वीडियो हर रोज पोस्ट करता हूँ, क्या ये मेरी सामर्थ्य और ये मेरी शक्ति से हो रहा है? नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की सहायता के द्वारा हर रोज मैं आपको वचन और प्रार्थना वीडियो पोस्ट कर पाता हूँ, आपको वचन दे पाता हूँ। ये मेरे बुद्धि और मेरे ज्ञान, मेरे बल के बल पर नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य के बल पर हुआ है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि पास्टर जी, आप हर रोज कैसे प्रार्थना पोस्ट कर लेते हैं, कैसे आप प्रार्थना कर देते हैं हमारे लिए? पिछले 2 सालों से मैं देख रही हूँ, आप एक दिन भी वीडियो मिस नहीं करते, हमारे लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। मैं पियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये अपनी शक्ति, अपने बल, अपने बुद्धि पे नहीं, बल्कि ये प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा होता है। मैं चाहे किसी परिस्थितियों में क्यों ना रहूँ, कैसे भी क्यों ना रहूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है ओ आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने मुझको अब तक संभाले रखा है, अपनी सामर्थ्य से भरपूर रखा है कि हर एक परिस्थितियों में आनंद और उल्लास के साथ आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये मैं अपनी बल और अपनी शक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि ये प्रभु के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य द्वारा ये कार्य हो पाता है और ये सफल हो पाता है। आप भी सोच रहे हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर पाता हूँ, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको उसमें सहायता प्रदान करेगा। हो सकता है आप डिग्री आपके पास हो, आपके पास पैसा हो, सब कुछ होने के बावजूद आप वो कार्यों में सफलता को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको उसमें सफलता देगा। बहुत से भाई बहन के पास सब कुछ रहने के बावजूद, पैसा, घर द्वार, हर एक चीज़ रहने के बावजूद उस सफलता को नहीं प्राप्त करते, उनके पास डिग्री रहने के बावजूद उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो ही एक सफलता देने वाला परमेश्वर है। हर एक कार्य करने से पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ तो इसमें मुझको आशीष प्रदान करना, और जब वो कार्य सफल हो जाए तो उसमें से 10वां अंश प्रभु के कार्यों के लिए निकाल के आप रखिए, प्रभु आपको उसमें से और भी आशीष से उड़लता जाएगा, चाहे वो सैलरी
नौकरी हो, चाहे वो आपका शॉप में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आप उसमें से दसवां अंश निकाल के प्रभु कार्यों के दीजिए, प्रभु आपको उसमें और भी आशीषें देते जाएगा। आपके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे, कोई भी खत्ता खाली नहीं होने देगा परमेश्वर, वो हर एक खत्तों को भरे रहेगा। क्योंकि जब हम उसके कार्यों के लिए आते हैं और हर्ष उल्लास के साथ हम देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए कार्य करता है और हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। हालेलुया। मेरे पियो, यही मेरा एक राज है जो मैं 2 सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये मेरे अपने बल, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु के द्वारा हो रहा है कि वो मुझे सामर्थ्य देता है, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहूँ। आप सभी के लिए प्रार्थना करने में प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया। आपके भी सहायता करेगा। आप भी उसके पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप चाहे कितने भी थके हो, वो आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है, भजन संहिता 145 के 8 पद में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। हालेलुया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे मेरे पियो, हम फल की चिंता ना करें, हम प्रभु के कार्यों में सहयोग करते रहें, हम फल की चिंता ना करें। प्रभु सही समय आने पे वो आपके जीवन में आशीष को भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ों का एक समय रखा है। रोने का समय, हंसने का समय, सोने का समय, जागने का समय, ड्यूटी जाने का समय, हर एक समय जैसे बनाया गया है, उसी प्रकार आशीषों के लिए भी एक समय बनाया गया है। जब वो समय आपके जीवन में आएगा, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलेगा और आपके जीवन में अपरम आशीष की वर्षा को भेजेगा। तब तक हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें। अब ये नहीं कि मैं 3 महीना, 3 साल, 2 साल, 2 महीने से प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, मैं प्रभु से अलग हो जाऊंगा। नहीं मेरे पियो, बल कहती है प्राण दे तक विश्वास रख, तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति और भी बढ़ते जाना चाहिए। बहुत से लोगों के जीवन प्रभु परीक्षा करता है, वो परीक्षा 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल का भी हो सकता है। और जब उन परीक्षाओं से आप पास हो जाएंगे, दुख की भट्टी से आप निकल जाएंगे, आपके लिए आशीष रखा है आगे में। हालेलुया। और जब आप दुख की भट्टी से पक कर निकलेंगे, तो आशीष चारों तरफ से आएगी कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। इसलिए हम हर एक प्रस्तुति में प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु ये दुख मेरे जीवन में आया, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, ये दुख मेरे हानि के नहीं बल्कि मेरे लाभ के लिए है, ये बीमारी जो मेरे जीवन में आई है, ये मुझको ख़त्म करने के नहीं बल्कि ये मुझे सामर्थ देने के लिए आई है कि मैं तेरे विधियों को जान सकूँ, मैं तेरे वचनों पर चल सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु दयालु अहंकारी है, हम उससे प्रार्थना करें। मेरे पियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है। हो सकता है आपके पास डिग्री पड़ा हो, बड़ा बड़ा डिग्री आपके पास हो, लेकिन फिर भी आप एक कंपनी में 1 से 2 महीने टिक नहीं पाते हो, ये किसी के लिए भविष्यवाणी है। आप बहुत से पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप एक कंपनी में 1 से 2 महीने तक आप नहीं रुक पाते हैं। परमेश्वर आपसे कहता है, आपको अपने बुद्धि पर घमंड है, जो आपके पास डिग्री है उस पर घमंड है, उस घमंड को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और जहाँ कहीं भी जाए नौकरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करके जाए, प्रभु आपको उसमें आशीष देगा, उस नौकरी में आशीष देगा। और जब वो नौकरी से सैलरी मिले, तो 10वां अंश निकालने वाले हो जाइए, प्रभु आपको उसमें बढ़ाता जाएगा, आपके पदों को ऊँचा करते जाएगा। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री कमी नहीं है, फिर भी आप अपने घमंड में चूर होकर आप किसी भी कंपनी में 2 महीना से अधिक टिक नहीं पाते हैं। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। प्रभु के पास आइए, दिन बनिए, अपने डिग्री को बगल में रख कर, किनारे रख कर, दिन और नम्र के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप जॉब खोजिए, जॉब में जाइए, प्रभु आपको उसमें सहायता करेगा और आप सालों सालों उस कंपनी में बने रहेंगे और आपकी तरक्की पर तरक्की होती जाएगी। हमें घमंड को निकाल, घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करें कि वो मुझे जानता है, किसे, परमेश्वर को जानता है। हमें किसी बात
के लिए हमें घमंड नहीं करना है। घमंड करना है इस बात के लिए कि मैं उसको जानता हूँ और उसको मैं पहचानता हूँ। किसको? परमेश्वर को जानता भी हूँ और उसको पहचानता भी हूँ। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे पियो। बहुत से लोग उसको जानते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, तो हम उसको पहचानने वाले हो जाए अच्छी तरह से, हम उसके वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें। आप थके हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बल देगा, वो आपको सामर्थ देगा। यहाँ वचन साफ साफ कहता है मेरे पियो, थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास डिग्री होता है, मैं कहता हूँ ना आपके लिए भी, मैं एक वचन पढ़ के सुना, नीति वचन 3:5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ओ, आप डिग्री पर भरोसा कर कर आप जाते हैं, आप काम में सफलता नहीं पाते हैं। हम जो भी कार्य करें, हम अपने बुद्धि से नहीं, अपने पैसे के बल से नहीं, बल्कि हम प्रभु के सामर्थ्य से, उसकी आशीष से हम वो कार्य करें। प्रार्थना चालू करके करें, प्रार्थना करके करें, प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। हम अपने बुद्धि अपने ज्ञान से करेंगे तो हम कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे। ये मसीह भाई बहन जो मसीह यीशु को जाने हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना पूर्वक करिए, और जो कार्य करते हैं उस कार्य के लिए पहले से आप दूसरे पास्टर से आप पे उसके लिए प्रार्थना करवाइए, प्रभु आपको उन कामों में सफलता देगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। वो जयवंत दिलाने वाला परमेश्वर है। आपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपना समस्या अपनी चिंता उसको देकर उस पर भरोसा करते हुए जो कार्य कर रहे हैं उससे प्रार्थना पूर्वक कीजिए। परमेश्वर आपको सफलता देने के लिए तैयार है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। वो प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को अंतरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर के जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना ये फलवंत होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, अपने बल अपनी शक्ति पे आगे बढ़ने वाले नहीं, बल्कि तुझसे प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में सफलता इनके बदौलत नहीं, बल्कि इनको तू सफलता देने वाला तू परमेश्वर है खुदावन, ये स्वीकार करने वाले हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष करते पिता। जो भी कमाते हैं पिता, इनको हम तेरे नाम से पिता हम आशीष घोषणा करते पिता। उनकी सैलरी पर, उनके बिजनेस पे पिता, उनके शॉप में हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, जो भाई के पिता परमेश्वर, जो बहन के पिता 2 महीने से नौकरी अधिक नहीं टिक पा रहे अपने ऑफिस में, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो बंधन इनके जीवन में है पिता, जो इनके अंदर घमंड है पिता, उन घमंडों को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। क्यों? तो वचन कहता है जो घमंड करे इस बात पे करे कि मुझे जानता है और मुझे पहचानता है। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी, इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। ये जो भी कंपनी में जाए पिता, उनमें तू आशीष प्रदान कर पिता, और सालों सालों पिता वहाँ इनका जॉब रहने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से सी घड़ी चंगे होने पाए, जो समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही, हर समस्या तेरे नाम से जाने पाए, हर एक चिंता करने बात तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से इससे घड़े खुलने पाए खुदावन। इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। समाज इन सबको सहायता प्रदान कर पिता, आगे बढ़ सके खुदावन, यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं सुंदर आज के हंकर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता से उकार कर सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में और भी वीडियो मिल सके। गॉड ब्लेस यू।